संध्या लाईव्ह आवाज महाराष्ट्राचा. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राईट साईड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखवीर सिंह जी संधू ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है. We welcome you all at this press conference, which is about the declaration of the schedule for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को, चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया. भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है. दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है. इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा. आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा. जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है. नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड. और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं. जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं. हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं. जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे. और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया. भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं. इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे, लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा. और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था. और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी. और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी. चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 times मोर देन 2014 इलेक्शंस. पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है. सिमिलरली इन हरियाणा सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 times मोर देन 2019 इलेक्शंस. इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. कोई वॉयलेंस नहीं हुई, जीरो वॉयलेंस इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली. आप सब इस बात के गवाह हैं. आपने देखे शिरकत के शिकस्त के नजारे. एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा. चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे आर फुल बिलीफ, दे आर वेरी वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड.
जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र 36 विद 288 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 234 आर जनरल एंड शेड्यूल ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज 25 एंड एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 29। टर्म ऑफ द असेंबली ऑफ द महाराष्ट्र इज एंडिंग ऑन 26 नवंबर 2024। इफ वी टॉक अबाउट ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाइव न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।